हेलो फ्रेंड्स, मुँ अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवं अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल को आपनको बहुत बहुत स्वागत। जदि आपण एबे प्रेगनेंसी पे प्लानिंग करुछंती एवं जल्दी रु जल्दी कन्सीव करिया पे चाहूछंती ताहाले आपणकर यूटेरस बा गर्भाशय को मजबूत करिवा निहाती दरकार। कारण जदि आपणकर गर्भाशय मजबूत न रहे ताहाले आपणकर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बा आपणकर भ्रूणटी आसिक एथेरे आरोपित होई पारिबनी बा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होई पारिबनी। एवं जदि भी भ्रूणटी आरोपित होई जाए बा इम्प्लांट होई जाए यूटेरस वीक थिबा कारणरु गर्भपात हेबार बा मिसकैरेज हेबार चांस मध्य रहिछि। तो आजिरो एही भिडियोटी रे आमे जानिबा कि गर्भाशय को मजबूत करिया पई आपनकु कोन कोन करबा उचित। प्रथम जिनसटी होउछि कि आपनकु फिजिकल एक्सरसाइज करबा निहाती जरूरी। फिजिकल एक्सरसाइज कले कोन हबो ना आपनकर शरीर रे रक्त प्रवाह अधिक हबो एवं रक्त बा ब्लड आम शरीर रे प्रत्येक ऑर्गन बा अंग को ऑक्सीजन जगाय थाए। जदि आपण रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करंती ताहाले आपनकर शरीर रे ब्लड सर्कुलेशन अधिक हबा जगु यूटेरस को मध्य अधिक परिमाण रे ब्लड सर्कुलेशन हबो एवं अधिक परिमाण रे ब्लड सर्कुलेशन हबा जगु यूटेरस को अधिक परिमाण रे ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन मध्य मिलिबो जहाकी आपनकर यूटेरस को स्ट्रांग करिबारे बा मजबूत करिबारे अत्यंत ही हेल्पफुल हबो। तेणु यूटेरस को मजबूत करिया पई आपनकु डेली एक्सरसाइज करिबा उचित। आपण मॉर्निंग वॉक करि परंती बा जिम भी जॉइन करि परंती। जदि आपण जिम जॉइन न करिया पई चाहूचंती ताहाले आपण घरे मध्ये एक्सरसाइज करि परंती। दिनकु पाखा पाखी 30 रु 45 मिनिट पर्यंत एक्सरसाइज निश्चय करंतु। ये तो गला फिजिकल हेल्थ बा शारीरिक स्वास्थ्य विषय। फिजिकल हेल्थ सांगकु मेंटल हेल्थ मध्ये यूटेरस को मजबूत करिया पई अत्यंत दरकारी। जदि जणे महिला मेंटली चापग्रस्त रहंती एवं से बहुत स्ट्रेस रहंती ताहाले तांका शरीर रे स्ट्रेस हार्मोन रो लेवल अत्यधिक बढ़ी जाए। ताहा आपणकर रिप्रोडक्टिव हार्मोन जमीकि इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को कमे थाए आपणकर यूटेरस को दुर्बल करिपारे। तेणु फिजिकल हेल्थ सांगकु आपणकु आपणकर मेंटल हेल्थ प्रति ध्यान देवाक पडिबो। एमिति सब काम करंतु जेउथरे कि आपण खुशी पाइबे एवं आपण मेंटली बिजी मध्य रहिबे। जदि आपण मेंटली बिजी रहंती ताहाले स्ट्रेस थारु मध्य दूरे रहिबे। एवं शेषरे होउछि गुड डाएट। जदि आपण निजर खाद्यपेय रे एमिति सब जिनस आड करंती जोटा कि आपणकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पई भल ताहाले मध्य आपणकर यूटेरस मजबूत हबो बा यूटेरस हेल्दी रहिबो। तो एही सब खाद्य पदार्थ मध्य प्रथमटी होउछि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपणकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पई बहुत ही जरूरी। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपण सब प्रकार फिश बा माछरु पाई पारिबे। तेणु निज डाएट रे ओमेगा 3 फैटी एसिड को निश्चय इनक्लूड करंतु। ता सहित फाइबर मध्य आड करंतु। फाइबर साधारणत आपण बीन्स विभिन्न प्रकार फल पनीपरिया एवं सागरु पाई पारिबे। ता सहित निज डाएट रे आपण कैल्शियम मध्य आड करंतु। कैल्शियम आपण दुग्ध एवं दुग्धजातीय पदार्थरु पाई पारिबे जमीक क्षीर दही पनीर घी एसबुर आपण कैल्शियम पारे। ड्राई फ्रूट्स बा नट्स माने काजू किसमिश पिस्ता बादाम एसबुक निज डाएट रे इनक्लूड करंतु कारण एथरे मध्य प्रचुर परिमाण में ओमेगा 3 फैटी एसिड थाए एवं एहा आपणकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कमे कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़े थाए जहाँकि यूटेरस रो हेल्थ पई बहुत ही जरूरी। एहा छोड़ा प्रत्येक दिन निज डाएट रे विटामिन सी इनक्लूड करंतु। विटामिन सी आपण सिट्रस जातीय फ्रूट बा फल जमीक लेंबू बा कमला बा एही सब फ्रूट्स रु पाई परिबे। विटामिन सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवं यूटेरस रा हेल्थ पई बहुत ही लाभदायक होइथाए। प्रत्येक दिन सकाळ उठि गोटे ग्लास पानी रे फाळे लेंबूर रस चिपुडी मध्य नै परिबे। एहा मध्य आपणकु बहुत ही फायदा पहुँचेबो जेमितिकी एहा यूटेरस रो इम्युनिटी को बूस्ट करथाय एवं यूटेरस को विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन रु रक्षा करथाय। एहा छडा आपण निज डाइट रे होल ग्रेन्स जेमितिकी चावल गहम बाजरा रागी एसबु मध्य आड करंतु कारण होल ग्रेन्स रे फाइबर अधिक परिमाण रे थाय एवं फाइबर आपणक शरीर रे एक्सेस बा अत्यधिक परिमाण रो जो इस्ट्रोजेन टा प्रोड्यूस हे ताकु फ्लश आउट कर दिए एवं आपणक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत भल रखे। जदि आपण स्मोकिंग करथांती बा टबाको नउथांती ताहा एटाको क्विट कर दियंतु बा छाड़ी दियंतु। एवं जदि आपण चा बा कॉफी पिउथांती ताहाले चाहा बदल रे आपण ग्रीन टी नियंतु एहा आपणक पई अधिक भलो। जदि एही सब टिप्स आपण रेगुलरली फॉलो करंती ताहाले आपणकर यूटेरस निश्चय मजबूत हेबो एवं आपण जल्दी रु जल्दी कन्सीव मध्य करि पारिबे। मु आशा करूछि कि एही वीडियोटी आपणक पई इन्फॉर्मेटिव होइथिबो। जदि एही वीडियोटी आपणक भलो लागिथाय ताले लाइक निश्चय करिबे एवं अन्य मानक सहित मध्य शेयर करिबे। आउ एक नुवा वीडियो रे पुनि थरे देखा हबो। सेतेबेळ पर्यंत विदाय दिअंतु। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।